हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स के मैसेजेस लेकर आपके लिए। देखते हैं गाइस, अभी इस वक्त आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या देना चाहती हैं, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। विल टेक 5 कार्ड्स, 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। ओके, 2 कार्ड हैं, ठीक है। तो अभी इस वक्त आपके पर्सन का मैसेज क्या है? कलेक्टिव एनर्जी है पॉवर्टी। तो आप में से कई लोगों के जो पर्सन हैं वो ये बोलना चाहते हैं कि आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है। हो सकता है आप में से कई लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन रखते हों, प्यार में कोई कमी नहीं है, बट फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं हैं कि आपको शादी की कमिटमेंट दे पाएँ, शादी कर पाएँ या आपकी फैमिली को फेस कर पाएँ। अगर वो फीमेल हैं तो हो सकता है कि वो अच्छे घर से बिलोंग ना करती हों, मतलब मिडिल क्लास हों, लोअर मिडिल क्लास हों, आप बहुत ही रिच हों, या ये हो सकता है वाइस वर्सा, एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हों, या उतने अमीर ना हों जितनी उनकी फैमिली है। देयर इज़ सम डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड, जिसकी वजह से आप में से कई लोगों के पर्सन इस तरीके की बात कर रहे हैं कि प्यार तो अपनी जगह बहुत ज़्यादा है, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। या तो ये खुद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अपसेट हैं, फाइनेंशियली ड्रेन्ड हैं, या तो फिर इनकी और फैमिली बहुत अच्छे घर की है और आपकी फैमिली फाइनेंशियली ड्रेन्ड है, जिसकी वजह से इनकी फैमिली नहीं मान रही, या वाइस वर्सा, इस तरीके की एनर्जी है। बाकी देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि मैंने कहा आपके पर्सन फाइनेंशियली ड्रेन्ड हैं तो यही होंगे। हो सकता है आप हों, हो सकता है आपकी फैमिली और इनकी फैमिली में कुछ डिफरेंसेस हों जो कि एक कारण बन रहा है शादी ना हो पाने का या कमिटमेंट ना दे पाने का। लव मैरिज कर सकते हैं बट फैमिली नहीं मान रही, तो फैमिली को देखें या आपको देखें, वाइस वर्सा, इस तरह की एनर्जी है। ओवरऑल ज़्यादातर लोगों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। सेकेंड मैसेज है आपके पर्सन का कि इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। मैं बताया ना, मैंने फैमिली का प्रॉब्लम तो है ही, आप में से कई लोगों का शादी हो सकता है बट फैमिली कोई ना कोई अड़ंगा जानबूझकर लगा रही है, कहीं कुंडली का प्रॉब्लम कर रही है, कहीं कास्ट का, कहीं स्टैंडर्ड का, फैमिली साथ में बैठ जाती है और इनको प्रेशराइज करने लग रही है, जिसकी वजह से इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा रास्ता चूज़ करें, ये सही रास्ते पर हैं कि गलत रास्ते पर। देखिए, अगर प्यार सच्चा है ना तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, या आपका प्यार में कोई खोट है, या आपके परिवार को क्या चाहिए, उस चीज़ का मैटर ही नहीं है अगर प्यार सच्चा है तो। लेकिन अगर प्यार में थोड़ी सी भी खोट है ना, तो मैनिपुलेशन में ये फंस जाएंगे या फंस जाएंगी। इनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इनके फैमिली द्वारा इनको लगातार कुछ ना कुछ इनके कान में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या मुझे फैमिली की मर्ज़ी से आगे बढ़ जाना चाहिए, जहाँ फैमिली कह रही है वहीं शादी कर लेना चाहिए, या मुझे आपके लिए रुकना चाहिए, कहीं मैं आपके अगेंस्ट जाकर कोई डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ तो मुझे बेवफा या धोखेबाज का टाइटल ना मिल जाए। आप में से कई लोगों को ये भी लग रहा होगा कि कहीं आपका पर्सन आपको धोखा ना दे दे, तो इन्हें भी ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आप ये ना कहें कि मेरे पर्सन ने मुझे छोड़ दिया मेरे स्टैंडर्ड की वजह से, या मैंने उसे छोड़ दिया स्टैंडर्ड की वजह से या फैमिली की वजह से, ये चीज़ें हैं। कुछ लोगों के पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इनकी जॉब बहुत अच्छी लोकेशन पे लग गई है, मतलब कोई ना कोई इनका ड्रीम पूरा हुआ है। जो मैसेज ये आपको देना चाह रही हैं या देना चाह रहे हैं, बहुत ही हाई पोस्ट, हाई पोजीशन या अथॉरिटेटिव पोजीशन में इनकी नौकरी लगी है कुछ, या प्रमोशन हुआ है। कुछ लोगों के पर्सन ये बताना चाहते हैं कि आप जिस पर्सन के साथ हैं अभी इस वक्त, वो एक फॉल्स पर्सन है। डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, जिस तक होगा पहुंच जाएगा। हो सकता है आपने अपने पर्सन के अलावा किसी और को चूज़ किया है उनको जलाने के लिए,
या हो सकता है कि आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसको आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपने पर्सन को दूर कर दिया है बट दोस्त को नहीं छोड़ रहे हैं, उनको कुछ कहना है रिलेटेड विद दिस कि आप जिस पर्सन के साथ हैं, हो सकता है आपका कोई एक्स हो या कोई बेस्ट फ्रेंड हो, या आपने इनको जलाने के लिए कुछ प्लान किया हो, इन्हें ऐसा लग रहा हो कि आप जिस व्यक्ति के साथ हैं वो एक गलत पर्सन है, ये इस तरह का मैसेज है। क्यों है आई डोंट नो, बट जिस तक होगा उस तक पहुंच जाएगा। आप में से कई लोगों के पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता कम्युनिटी क्या सोचती है, इन्हें ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, इन्हें बस अपनी फैमिली और आपकी चिंता है, और एक ना एक दिन ये अपने परिवार को आपके लिए मना लेंगे। तो ये भी मैसेज आज के दिन में यहाँ पर निकल कर आया है। तो गाइज़, यहाँ पर जो भी मैसेजेस थे मैंने आपको बता दिए, जिस तक जो मैसेज पहुँचेगा उस तक वो पहुँचना होगा तो पहुँच ही जाएगा। सो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है और आपके पर्सन आज नहीं कल, कल नहीं परसों अगर यही चीज़ें आपसे बोलते हैं या उनके थॉट में ये चीज़ें हैं, तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।